एल्केन एल्केन का जनरल फॉर्मूला होता है CnH2n+2, और IUPAC नेम होगा, और रूट वर्ड में ए नहीं लगा देंगे। जैसे कार्बन का संख्या इसमें 1, 2, 3, 4 जितना डालना है डाल लीजिए, 10 तक लेकिन बना लेना है। कार्बन 4 बॉन्ड बनाता है, चारों साइड से हाइड्रोजन लगा दीजिए। एल्केन में क्या होता है, 2 कार्बन रहेगा तो सिंगल बॉन्ड, जितना कार्बन है सबके बीच सिंगल बॉन्ड होगा, और कार्बन का 4 बॉन्ड पूरा करने के लिए सब में हाइड्रोजन, जैसे यहाँ ये कार्बन एक बॉन्ड बनाया हुआ है तो 3 हाइड्रोजन लगेगा, ये भी एक बॉन्ड बनाया हुआ है 3 हाइड्रोजन लगेगा, टोटल 4-4 बॉन्ड हो गया। यहाँ भी एक कार्बन एक बॉन्ड बनाया हुआ है, 3 हाइड्रोजन, 2 हाइड्रोजन, 3 हाइड्रोजन, टोटल 4-4 बॉन्ड बन गया। अब इसी प्रकार आगे सबका बना लेना है 10 तक। जैसे एक कार्बन हुआ तो रूट वर्ड क्या होता है, मेथ, ए नहीं लगा देना है। 2 कार्बन हुआ तो एथ, ए नहीं। 3 हुआ तो प्रोप, ए नहीं। ऐसा ही ब्यूटेन पेंटेन करके 10 तक बना लेना है। एल्केन के बाद अगला नंबर एल्कीन का आता है, इसका IUPAC नेम क्या होगा, रूट वर्ड प्लस ENA। इसमें इसका फॉर्मूला होता है CnH2n, जितना कार्बन होगा उसका दोगुना हाइड्रोजन होगा, इससे पहले वाले में जितना कार्बन होगा उससे दोगुना से 2 ज़्यादा हाइड्रोजन होगा। ऐसे यहाँ कम से कम 2 कार्बन होगा, ज़्यादा का कोई लिमिट नहीं है। 10 तक पूरा कर लेना है, एक जगह डबल बॉन्ड दे देना है, कहीं भी बीच में भी हो सकता है, एक जगह डबल बॉन्ड दे दीजिए, बाकी जगह सिंगल, और कार्बन का 4 बॉन्ड पूरा कर दीजिए हाइड्रोजन से। अच्छा, यहाँ 2 बॉन्ड बना हुआ है तो 2 हाइड्रोजन ऊपर भी हो सकता है, ये 2-1-3 बना हुआ है, 2-1-3 एक हाइड्रोजन होगा, ये एक बना हुआ है 3 हाइड्रोजन होगा, इसी प्रकार आगे भी बढ़ता जाएगा। IUPAC नेम में 2 कार्बन तो एथ, और रूट वर्ड में क्या लगाना है, ENA-3। 3 कार्बन हुआ तो प्रॉप, ENA, SI-ब्यूटीन पेंटीन हेक्सीन हेप्टीन, ये सब होगा। 10 तक पूरा कर लेना है। जैसे अच्छा फार्मूला पर ध्यान दीजिए, जैसे यहाँ 2 कार्बन है तो 4 हाइड्रोजन है, दोगुना हुआ, यहाँ 3 कार्बन है तो 6 हाइड्रोजन होगा, यहाँ 4 में 8 हाइड्रोजन होगा, मतलब कार्बन का दोगुना हाइड्रोजन। पहले वाले एल्केन में कार्बन जितना होगा उसमें दोगुना से 1 ज़्यादा हाइड्रोजन होगा। अब एल्काइन में 2 हाइड्रोजन और घट जाएगा, इसमें कार्बन यदि एन होगा तो हाइड्रोजन 2n-2। और इसका IUPAC नेम क्या होगा, रूट वर्ड में YNA। इसमें भी कम से कम 2 कार्बन लेंगे, ट्रिपल बॉन्ड दे देंगे एक जगह, बाकी जगह सिंगल बॉन्ड दे देंगे, और कार्बन का 4 बॉन्ड पूरा कर देंगे। जैसे यहाँ 3 हुआ तो 1 हाइड्रोजन, यहाँ भी 1, ये 3 बॉन्ड बनाया हुआ है तो 1, ये 3-1-4 बनाया हुआ है, यहाँ हाइड्रोजन नहीं होगा, ये 1 बॉन्ड बनाया हुआ है, यहाँ 3 हाइड्रोजन होगा, इसी प्रकार आगे भी बढ़ता जाएगा। अच्छा, IUPAC नेम में यहाँ 2 कार्बन हुआ तो इथ, रूट वर्ड में क्या लगाना है, YNA, इथाइन। 3 कार्बन हुआ तो प्रॉप, YNA। 4 हुआ तो ब्यूट, YNA, पेंटाइन हेक्साइन हेप्टाइन, इसी प्रकार होगा। IUPAC नेम में कोई भी टॉपिक छूट जाएगा तो 12 का कोई टॉपिक नहीं समझ में आएगा, इसलिए IUPAC नेम पहले पढ़ चुके हैं उससे कोई मतलब नहीं है। चैप्टर शुरू करने के पहले IUPAC नेम पूरा आना चाहिए, इसलिए यदि कॉपी पुराना होगा तो उसको देख लेना है इसका। अच्छा, ऑर्गेनिक वाले को कॉपी अलग बनाना है उसका, बना हुआ है तो ठीक है, नहीं बना हुआ है तो कोई बात नहीं है। पहले से यदि फेयर किए हुए हैं तो इसको लिख करके प्रैक्टिस कर लीजिए, नहीं किए हुए हैं तो इसको फेयर कर लीजिए फिर से। 12 में 5 नंबर का ये पूछता है नाम लिखना,
ऑर्गेनिक कंपाउंड का नोमेनक्लेचर 4 नंबर 5 नंबर का एक बार तो 7 नंबर का पूछा हुआ है, इसलिए नोमेनक्लेचर को कंप्लीट कर लेना है। कोई प्रॉब्लम होता है तो कमेंट बॉक्स में लिखिए। इसे पिछला जो चैप्टर था इलेक्ट्रोकेमिस्ट्री था, उसमें कुछ टॉपिक बचा हुआ है, बीच बीच में वीडियो डाल के उसको पूरा करेंगे, तब तक उसको पूरा कंप्लीट कर लीजिए। यदि पूरा वीडियो नहीं मिला होगा तो अपलोड पे उंगली दबाइएगा, पूरा वीडियो चलाएगा, और उसको रिवाइज करते रहिए। एक बार में नहीं समझ में आता है तो 2 बार 3 बार देखिए, जो भी पढ़िए उसको नोट बनाते चलिए, नहीं तो बाद में दिक्कत हो जाएगा। और जब बैच शुरू होगा तो उस समय समझने में काफ़ी आसानी रहेगा। एक बार में या दो बार में पूरा टॉपिक समझ में आ जाएगा, यदि फिगर बना रहेगा तो। सारा टॉपिक फिर से पढ़ाया जाएगा जब बैच शुरू होगा, लेकिन उसमें टाइम कम लगेगा जो कि एक बार समझा हुआ रहेगा। और क्लास शुरू होने के बाद भी ये वीडियो आता रहेगा परमानेंट, दिसंबर जनवरी एग्ज़ाम के एक दिन पहले तक, इसलिए आप टेंशन नहीं लीजिए। सिलेबस आपका दिसंबर में पूरा होगा, वीडियो पर भी दिसंबर तक पूरा सिलेबस पूरा हो जाएगा। क्लास शुरू होने के बाद भी वीडियो एक एक टॉपिक का डेली आता रहेगा, इसलिए सिलेबस का टेंशन नहीं लेना है।